हेलो एवरीवन ऑनलाइन क्लास क्लास सब्जेक्ट साइंस चैप्टर थर्टीन मैग्नेटिज्म चुंबक मैग्नेट चुंबक लॉन्ग एगो इन एसेंट ग्रीस दे लाइव ए सीफेड नेम्ड मैग्नेस ही यूज्ड टू टेक His herd of sheep to the nearby mountains for grazing. In the evening, he used a stick to collect his cattle back home. One day, he carried an iron stick while he was beating his stick on the ground. The stick got struck to a stone. he tried pulling it out and had to apply force to successfully do so he was surprised he thought there was some evil spirit in the stick or the rock बहुत समय पहले प्राचीन ग्रीस में मैग्नेस नाम का एक चरवाह चर्वा, रहता था वह अपनी भेड़ों के झुंड को चराने के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था शाम को वह अपने मवेशियों को घर वापस लाने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल करता था एक दिन उसने लोहे की एक छड़ी ले ली जब वह अपनी छड़ी को ज़मीन पर मार रहा था तो छड़ी एक पत्थर से चिपक गई उन्होंने इस इसे बाहर खींचने की कोशिश की और सफलतापूर्वक ऐसा करने के लिए बल लगाना पड़ा वह हैरान था उसने सोचा कि छड़ी या चट्टान में किस कुछ बुरी आत्मा है द ग्रेस ब्लैक रॉक डैट वॉज रिस्पांसिबल फॉर दिस वॉज लेटर फाउंड टू कंटेन मिनरल विच वॉज नेम्ड मैग्नेटिक after the place magnesia where it was found earlier people called it leadstone pieces of such rocks were found to attract each other or repel each other this naturally occurring material started to be now as magnet इसके लिए जिम्मेदार ग्रेनिस काली चट्टान को बाद में एक खनिज से युक्त पाया गया जिसे मैग्नेटाइट नाम के स्थान मैग्नीसिया जहां यह पाया गया के बाद मिला पहले लोग इसे लाश स्टोन कहते थे ऐसे चट्टानों के टुकड़े कैच अन्य को आकर्षित करने या अन्य कैच को पीछे हटाने के लिए पाए गए यह स्वाभाविक रूप से होने वाली सामग्री को चुंबक के रूप में जाना जाने लगा दिस फिनोमिन वाई विच मैग्नेट्स अट्रैक्ट कंटेन सब्सटेंस इज कार्ड मैग्नेटिज्म एनी सब्सटेंस विच हैज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट कंटेंट सब्सटेंस लाइक आयरन इज कार्ड ए मैग्नेट डोज सब्सटेंस विच गेट अट्रैक्टेड वाई ए मैग्नेट आकाल्ट मैग्नेटिक सबस्टेंस यह घटना जिसके द्वारा मैग्नेट कुछ पदार्थों को आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाता है कोई भी पदार्थ जिसमें लोहे जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता होती है वह चुंबक कहलाता है वह पदार्थ जो किसी चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं समसच्च सबस्टेंस आयरन निकल एंड कोवाल्ट दो सब्सटेंस विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड बाई ए मैग्नेट आर कार्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लास्टिक रबड़ ग्लास पेपर गोल्ड सिल्वर क्लॉथ्स आर समच सब्सटेंस ऐसे कुछ पदार्थ हैं लोहा निकल और कोबाल्ट वह पदार्थ जो किसी चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें गैर चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है प्लास्टिक रबर काच कागज सोना चांदी कपड़े कुछ ऐसे पदार्थ हैं टुडे मैग्नेट हैज़ फाउंड मैनी यूजेस इन आवर डेली लाइफ हैव ए लुक एट आवर योर पेंसिल्स बॉक्स और टिफिन बॉक्स यू माइट फाइंड ए मैग्नेट देयर इन these boxes the लीड फिट्स टाइटली बिकॉज ऑफ the आज चुंबक ने हमारे दैनिक जीवन में कई उपयोग पाए हैं अपने पेंसिल बॉक्स या टिफिन बॉक्स पर एक नजर डालें आपको वहाँ एक चुंबक मिल सकता है इनमें से कुछ बक्से में ढक्कन कसकर फिट बैठता है प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेट इन डैम द डोर ऑफ आवर रेफ्रिजरेटर आल्सो फिट्स टाइटली बिकॉज ऑफ द सम रीजन सम ऑफ योर टॉयज आल्सो माइट हैव ए पीसेस ऑफ मैग्नेट प्रेजेंट इन डैम उनमें चुंबक की उपस्थिति हमारे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा भी उसी कारण से कसकर फिट बैठता है आपके कुछ खिलौने में चुंबक का एक टुकड़ा भी मौजूद हो सकता है टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स मैग्नेट के प्रकार मैग्नेट्स आर रियली फन टू प्ले विथ लेट्स नाउ अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स मैग्नेट वास्तव में साथ खेलने के लिए मज़ेदार हैं आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के चुंबकों के हम बारे में नेचुरल मैग्नेट्स प्राकृतिक चुंबक वाज़ द नेचुरल मैग्नेट फाउंड अकॉर्डिंग नेचुरली इन द दर्थ क्रस्ट स्टोन मीन्स लीडिंग स्टोन इट हेल्पेड पीपल फाइंड देयर वे ऑन लैंड एंड सी प्राकृतिक चुंबक लार्ड स्टोन प्राकृतिक चुंबक था जो पृथ्वी की पपड़ी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता था स्टोन का अर्थ है अग्रणी पत्थर इसने लोगों को जमीन पर अपना रास्ता खोजने में मदद की और समुद्र में आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आप प्राकृतिक चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर ड मैग्नेट्स विच हैव बीन इम्पार्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट वाई आर्टिफिशियल मीन्स डिपेंडिंग अपन देयर यूजेस दे आर मेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आ सब्सटेंस कार्ड Ferrite is sometimes used to make artificial magnets. It is a mixture of barium oxide and ferric oxide and it can be used to make very strong magnets. Y magnet and horse horse magnet are the most common shapes of magnet of artificial magnet artificial magnet, वह मैग्नेट होते हैं जो कृत्रिम संसाधनों द्वारा चुंबक के गुणों का प्रदान किया गया है उनके उपयोग के आधार पर उन्हें विभिन्न आकृतियों और साइजों में बनाया जाता है कभी कभी कृत्रिम मैग्नेट बनाने के लिए फेराइट नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है यह बोरियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण है और इसका उपयोग बहुत मजबूत मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है व चुंबक और घोड़े की नाल चुंबक का सबसे आम आकार है प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट एक चुंबक के गुण अ मैग्नेट अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस एक चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है यू विल फाइंड डेट पेपर क्लिप एंड नीडल क्लेंग टू आवर मैग्नेट व्हील प्लास्टिक रूलर, रबर इरेजर स्टेनलेस स्टील स्पून डू नॉट आप पाएंगे कि पेपर क्लिप और सुई एक बार चुंबक से चिपके रहते हैं जबकि प्लास्टिक शासक रबर, इरेजर स्टेनलेस स्टील के चम्मच नहीं दस वी कैन कंक्लूड दैट पेपर क्लिप एंड नीडल आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हील प्लास्टिक रबर एंड स्टेनलेस स्टील आर नॉन नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पेपर क्लिप और सुई प्लास्टिक रबर और स्टेनलेस जबकि चुम्बकीय पदार्थ हैं स्टील गैर चुम्बकीय पदार्थ है आफेली सस्पेंडेड मैग्नेट एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक ऑलवेज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा उत्तर में रहता है दक्षिण दिशा द मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंफ्लुएंस इज स्ट्रॉग नियर द इंड ऑफ अ मैग्नेट देश इंड्स आर कॉल्ड पोल्स ऑफ अ मैग्नेट किसी चुंबक के सिरों के पास चुंबकीय खिंचाव या चुंबकीय प्रभाव अधिक मजबूत होता है इन सिरों को कहा जाता है एक चुंबक का खंभा। वेन यू सस्पेंड आ मैग्नेट freely, द एंड pointed टूवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ इज called द नॉर्थ सिकिंग पोल और नॉर्थ पोल एंड द टर्ड्स द जियोग्राफिकल साउथ इज कार्ड द साउथ पोल और साउथ पोल वार मैगनेट जब आप किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से रोकते हैं तो भौगोलिक उत्तर की ओर इशारा करते हुए अंत को उत्तर मांगने वाला ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और भौगोलिक दक्षिण की ओर इशारा करने वाले दूसरे हिस्से को दक्षिणमुखी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहा जाता है वन आवर मैग्नेट इज रोल्ड इन आयरन पाउडर यू विल फाइंड डैट द आयरन पाउडर क्लिंग्स मॉर टू द पोल्स दिस क्लियरली शो द डैट मैग्नेटिक पुल्स इन स्ट्रॉगर एट द पोल्स जब एक बार चुंबक लोहे के पाउडर में लुढ़कता होता है तो आप पाएंगे कि लोहे का पाउडर ध्रुवों पर अधिक चढ़ता है इससे साफ पता चलता है कि ध्रुवों पर चुंबकीय खिंचाव अधिक मजबूत है फोर्थ नंबर पोल्स एक्सिट इन पेयर्स जोड़े जोड़े में मौजूद इफ यू कट आ मैग्नेट इन स्मॉलर पार्ट एंड check their poles y field suspending each piece's piece of the magnet each will behave as an individual magnet with two poles thus we can say all magnets have north seeking or south seeking poles we can never produce a magnet with a single pole hence magnetic poles exist in pairs Abj Khambe जोड़े पे मौजूद हैं यदि आप एक चुंबक को छोटे हिस्से में काटते हैं और उनके ध्रुवों की जांच करते हैं तो चुंबक के कैच टुकड़ों को, को स्वतंत्र रूप से निलंबित करके प्रत्येक दो ध्रुवों के साथ एक व्यक्तिगत चुंबक के रूप में व्यवहार करेगा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी मैग्नेट में उत्तर मांग या दक्षिण मांग वाले डंडे हैं हम कभी भी एक ध्रुव के साथ चुंबक का उत्पादन नहीं कर सकते हैं इसलिए चुंबकीय ध्रुव जोड़े में मौजूद होते हैं अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स पोल्स रिपेल ध्रुवों के विपरीत आकर्षित होते हैं आ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेट वी नाउ डेट ऑल मैग्नेट्स हैव नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स वेन टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड नियर इच अदर द अपोजिट पोल्स नॉर्थ एंड साउथ ट्रैक्ट और पुल इच अदर एंड लाइक नॉर्थ और साउथ साउथ रिपेल और ध्रुवों के विपरीत आकर्षित होते हैं और ध्रुवों की तरह एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित और या पीछे हटा सकते हैं हम जानते हैं कि सभी मैग्नेट में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं जब दो चुंबक एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो विपरीत ध्रुव उत्तर और दक्षिण की ओर आकर्षित होते हैं या एक दूसरे को खींचते हैं और जैसे ध्रुव यानी उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को धक्का देते हैं थैंक यू